नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 25। और इसमें जो है मुख्य रूप से हम क्या देखेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारतीय कृषि के बारे में हम देखेंगे। अब भारतीय कृषि का जो टॉपिक है, एक आपने ज्योग्राफी में भी देखा होगा और एक आपने इंडियन इकोनॉमी में भी देखा होगा, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में जो है किसके हिसाब से है कि कितना, मतलब कितना उत्पादन हो रहा है, अर्थव्यवस्था में उसकी क्या भूमिका है, ये सारी चीजें उसमें देखने को हम मिलेगी। परंतु हम ज्योग्राफी में अगर देखेंगे तो ज्योग्राफी में आपको क्या मिलेगा कि भूमि किस प्रकार की है, रिसोर्सेस, ये जो भी है सारी चीजें उससे ज्योग्राफी से रिलेटेड उसमें देखने को मिलेंगे। तो जब हम ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ेंगे तो वहां भी हम भारतीय कृषि पढ़ेंगे, परंतु वहां पे हम इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम इकोनॉमी वाला पोर्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में। आपका ये जो पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा इसी लेक्चर में, मतलब जो भारतीय कृषि है एक लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जो लेक्चर है काफी बड़ा होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें हम क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं, भारतीय कृषि और जो अर्थव्यवस्था है उसकी क्या, मतलब उसमें क्या संबंध है ये हम देखेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का क्या योग, मतलब कृषि में क्या योगदान रहा है, कृषि में कितना खर्च किया गया, क्या क्या योजनाएं बनाई गई, वो हम एक ओवरव्यू देखेंगे। हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं वाला जो लेक्चर है आपका पहले ही हो चुका है। भारत में हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे एवं अन्य जो क्रांतियां है, कृषि से संबंधित जो मिशन होते हैं, कृषि साख एग्रीकल्चर जो क्रेडिट होता है, कृषि से संबंधित जो योजनाएं होती है, बीमा से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा हम खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है वो देखेंगे, मेगा फूड पार्क, कृषि से संबंधित आयोग नीतियां के बारे में जानेंगे, कृषि में नई नई जो तकनीक आई है, एप्लीकेशन आया, वेबसाइट आई, वो देखेंगे, जैविक कृषि क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष क्या है, और फसल उत्पादक एवं जो फसल है एवं उसके उत्पादक राज्य ये कौन कौन से है वो हम देखने वाले हैं। ये लेक्चर आपका काफी लंबा होने वाला है, तो ध्यान से आपको बोर नहीं होना है, हिसाब से देखते चलना है। ये जो सारी लिंक है इससे हमें आप फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो आपको पता होगा हमारे देश की जो जनसंख्या है आज की डेट में तो आप देख सकते हैं ज्यादा हो गई है, परंतु जब 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर देखें तो 1.21 अरब थी, ठीक है। और ये जो इसके पहले के जो 10 साल का पहले था तो वो क्या था, वहां पे जनसंख्या एक, मतलब कम थी, और वहां से बढ़कर कहाँ तक आ गई, 1.21 अरब। अब आप देख सकते हैं ये जो सारी जनसंख्या है इसकी जो खाने की पूर्ति है या फिर जो उसके फूड या भोजन की जो आपूर्ति, खाद्यान्न की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, कृषि से। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कृषि हमारी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। किसके हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से। तो हमने वही देखे हैं, देखिए देश की जो कुल राष्ट्रीय आय है वहां पे भी इसकी भागीदारी कितनी मानी जाती है, 14.7% मानी जाती है। और इसके अलावा कृषि क्षेत्र में क्या है, 85% से अधिक निवेश पूंजी क्षेत्र, मतलब जो निवेश है निजी क्षेत्र द्वारा ही लगाया जाता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से क्या है, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आगे देखते हैं, देखिए देश की जो कुल श्रम शक्ति है, श्रम शक्ति हमने क्या बात करे थे, देखिए जो व्यक्ति 15 से 65 या 60 के लगभग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्रम शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ये हमने मजदूरी वाले जो बेरोजगारी वाला पार्ट है उसमें हमने डिस्कस किए थे। तो जो टोटल श्रम शक्ति उसका 48.9% अभी भी रोजगार के लिए कहाँ लगा हुआ है, कृषि पर लगा हुआ है, ठीक है, ये देखने को मिलता है। परंतु अगर बात करें हम अर्थव्यवस्था में उसका योगदान, तो अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कम माना जाता है, लगभग 16 से 17% जो है उसका योगदान माना जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कृषि को बहुत अपग्रेड करने की जरूरत, क्यों, क्योंकि आधी जनसंख्या या आधी श्रम शक्ति जो है कृषि पर लगी हुई है, और उसका लगभग जो है देखिए छठवां भाग, मतलब 100% में से लगभग 16-17 या छठवां भाग हम बोल सकते हैं कितना है, राष्ट्रीय जो भारतीय अर्थव्यवस्था वहां पे इसका योगदान है। तो बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको नई नई जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उनसे उनको अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सके। और अगर इस प्रकार हम देखें तो जो देश के औद्योगिक विकास है वहां पे भी कृषि का भारी योगदान माना जाता है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग होगा, जूट, चीनी उद्योग, चाय, कॉफी, इसके अलावा निर्यात में भी इसकी काफी भागीदारी मानी जाती है, देखिए 10% से अधिक है, जैसे कि चाय हो गया, तंबाकू हो गया, गर्म मसाले, ये सारी चीजें, ये सभी चीजें अगर देखा जाए तो भारतीय जो कृषि है उसको भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है।
अब देख लेते कुछ ओवरव्यू भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में क्या योगदान दिया गया है या कृषि पर कितना कितना खर्च किया गया है वो हम एक ओवरव्यू देखेंगे। हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं आपने पहले देख चुके हैं पीछे के लेक्चर में, फिर भी हम यहाँ 2 मिनट में ओवरव्यू देख लेते हैं। और ये सारी चीज आपको बताने की जरूरत नहीं, 1951 से 1956 पहली थी, 1956 से 1961 दूसरी, 1961 से 1966 तीसरी, फिर आ गया सूखा और चीन का युद्ध और पाकिस्तान का युद्ध, तो 3 साल का गैप हुआ और 3 साल के गैप में योजना अवकाश आया और फिर 1969 से 1974 तक चौथी आई। तो पहले में देखिए खाद्य संकट को दूर करने के लिए यहाँ पे मुख्य रूप से कृषि पर फोकस किया गया और जो टोटल राजस्व था, टोटल राजस्व का 31% कहाँ दिया गया, कृषि को प्रदान किया गया और यहाँ वृद्धि जो हुई 2.71 हुई है। फिर यहाँ कुल व्यय का कितना दिया गया, 20%, और यहाँ वृद्धि कितनी मापी गई, 3.71, और यहाँ पे फोकस किया गया था इंडस्ट्री पे, परंतु कृषि साथ में चल रही थी। ठीक है, कृषि को यहाँ पे मुख्य रूप से माना ही जाता था। फिर तीसरे में फिर कृषि को प्राथमिकता दी गई और यहाँ पे भयंकर सूखा आया 66 में, 1966 में, और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, चीन का भी हुआ, तो पूरा जो धन था वहां चला गया सूखे में और जो आगे की योजनाएं नहीं बनी। तो 66 से 69 तक क्या हुआ, योजना अवकाश आया। इसी के समय आपने देखा होगा हरित क्रांति, हरित क्रांति के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और वृद्धि दर देखिए, हालांकि जो है यहाँ पे असफल हो गई योजना, परंतु हरित क्रांति के दौरान यहाँ पे खाद्यान्न पर फोकस किया गया, तो वहां वृद्धि दर कितनी मापी गई, 4.16 मापी गई। फिर चौथी आई, तो चौथी में आपने देखा होगा, देखिए टेक्नोलॉजी जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी है उसको उपयोग करने पर बल दिया गया ताकि कृषि पे अलग अलग अनुसंधान किया जा सके और उसकी उत्पादकता या फिर उसकी जो उपज है उसको बढ़ाया जा सके। कुल व्यय यहाँ पे 22% हुआ और जो वृद्धि हुई 2.57% रही। पांचवी योजना जो आई थी 74 से 79 आई थी, तो यहाँ पे टोटल जो है 15% व्यय किया गया, उत्पादन हुआ 1520 लाख टन और वृद्धि दर कितनी मापी गई, 3.28% मापी गई। इस स्थिति को विद्वानों ने द्वितीय हरित क्रांति की संज्ञा दी। देखिए याद रखना आपको 74 से 79 तक का जो पीरियड था वहां पे ये जो उत्पादन हुआ उसको हरित क्रांति बोला गया, कौन सी, दूसरी। 80 से अब देखिए 1 साल का फिर गैप आ गया, तो 1 साल जो है, 1 साल पहले क्या हुआ था, यहाँ पे योजना समाप्त कर दी गई थी क्योंकि सरकार बदल गई थी, तो यहाँ पे 1 साल का फिर से 1 साल की जो है योजना बनाई गई और 80 से 85 फिर छठवीं बनाई गई। तो हरित क्रांति का दूसरा चरण था ये और कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश एवं प्रबंधन पर बल दिया गया। कृषि जो क्षेत्र उसकी वृद्धि दर कितनी मापी गई, 2.52% मापी गई। सातवीं आई फिर 95 से 90, तो यह जो योजना थी यहाँ देखिए कपास को छोड़कर सभी फसलों के उत्पादन पर यहाँ अधिक रहा और यहाँ की जो वृद्धि दर मापी गई 3.47% मापी गई। अब आप देखिए यहाँ पे गैप आ रहा 2 साल का, तो फिर से एक एक साल की 2 योजना लाई गई यहाँ पे, रोलिंग प्लान बोलते हैं। हालांकि रोलिंग प्लान जो होती है, अनवरत योजना जो होती है, वो उनका समय निश्चित नहीं होता, परंतु कब खत्म हो जाए ये पता नहीं रहता और हर साल वहां पर मूल्यांकन किया जाता है, उन्हें बोलते हैं रोलिंग प्लान। ठीक है, तो रोलिंग प्लान आया परंतु 92 से 97 फिर से योजना चालू हो गई, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना चालू हुई और कृषि क्षेत्र का जो विकास दर है कितना मापा गया, 4.68% मापा गया। इसके अलावा 9वीं आई, तो अब रेगुलर चलेगी। देखिए 1997 से 2002 यहाँ पे योजना जो है कृषि के संबंध में असफल हो गई और कृषि क्षेत्र में विकास दर मात्र 2.02% रही। अब 10वीं आई, तो 2002 से 7 तक आई और राष्ट्रीय कृषि नीति यानी कि 2000 अपनाई गई और यहाँ पे देखिए मृदा स्वास्थ्य एवं जल के जो मैनेजमेंट यानी प्रबंधन उस पर विशेष बल दिया गया और 2002 से 2003 में ऋणात्मक वृद्धि जो है मापी गई और विकास दर मात्र 2.3% रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, 2007 से 12 में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार सृजन और भूमि पर जनसंख्या दबाव कम करने के लिए यहाँ पे फोकस किया गया, जो ग्रामीण क्षेत्र में असमानता उसको भी कम करने की कोशिश की गई और लक्ष्य मापा गया कितना, देख सकते हैं आप, 3.6%। अब लास्ट बची 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये तो अभी अभी एंड हुई है 2017 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में पहले 4 वर्षों में 1.6 का औसत विकास मापा गया। अब आप देख सकते हैं जो कृषि है हमारी, कृषि देखिए हमारे 3 सेक्टर होते हैं अर्थव्यवस्था में, एक तो प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कृषि और कृषि से संबंधित जो सपोर्टिंग चीजें है वो सारी चीजें कहाँ आ जाती है, प्राइमरी सेक्टर में यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आ जाती है, और जितनी भी चीजें कच्चा माल प्रोवाइड करती है वो भी हम प्राथमिक चीजों में जोड़ सकते हैं, तो मेन जो है कृषि है और कृषि से संबंधित बाकी चीजें हैं। सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग आ जाते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे उद्योग, और टर्शियरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र जो कि सपोर्टिंग का काम करते हैं यानी कि इनको सपोर्ट करने का काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, जो टेली कम्युनिकेशन मतलब एक
प्रकार संचार की सुविधा हो गई, पोस्ट ऑफिस की सुविधा हो गई, जितनी भी सर्विसेज है वो सभी कहाँ जाएगी, टर्शरी सेक्टर में जाएगी, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में जाएगी। अब बात करते हैं भारत में हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति की अगर बात करें तो अमेरिका के जो एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर विलियम गेट, इन्होंने सबसे अधिक उपज देने वाली जो किस्में हैं उनके संदर्भ में सर्वप्रथम 1968 में हरित क्रांति, जो ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द है, उसका प्रयोग किया था। ठीक है, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी कि 61 से 66 क्या हुआ, उसके अंतिम 2 वर्षों में देशव्यापी जो है सूखा हो गया, तो उसी के तहत ये जो समस्या पैदा हुई और उसके बाद ही हरित क्रांति का जो है जन्म हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देख लेते हैं। देखिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1966-67 में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई नई जो रणनीति है वो अपनाई गई और अधिक उपज देने वाली जो किस्में हैं उनके जो बीजों है उनका प्रयोग करना शुरू किया गया। साथ में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी वहां बढ़ाया गया, ताकि जो है सघन कृषि कार्यक्रम, मतलब इसके अलावा जो है सघन कृषि कार्यक्रम भी अपनाया गया ताकि उसको बढ़ावा दे सके। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो भारत का पश्चिम उत्तर एरिया है, पश्चिम उत्तर एरिया जहां पर गेहूं का उत्पादन काफी तीव्र हुआ और अन्य फसलें भी यहाँ पे जो है प्रभावित हुई, मतलब आगे बढ़ाई गई ताकि क्या हो उनका उत्पादन हो, परंतु गेहूं सबसे अधिक था। इसे भारतीय कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यही जो उत्पादन हुआ गेहूं का उसको हरित क्रांति, इसलिए मुख्य रूप से फोकस कहाँ किया है हरित क्रांति में, उत्पाद मतलब जो है खाद्यान्न पर, खाद्यान्न में मुख्य रूप से क्या आता है गेहूं, तो गेहूं पर फोकस किया गया। और इस हिसाब से अगर देखें तो जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पहला कृषि जो है कृषि हरित क्रांति का जनक माना जाता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले यही है। परंतु भारत के अंतर्गत हम पहले की बात करें तो कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को यहाँ पे हरित क्रांति का जनक माना जाता है और ये दोनों का योगदान रहा इस क्रांति को आगे बढ़ाने में। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गेहूं, मक्का, चावल और इसके अलावा कुछ अन्य जो खाद्यान्न है उनका उत्पादन काफी भारी मात्रा में रहा, परंतु गेहूं पर ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हुआ, गेहूं का, ये आप देख सकते हैं। हम यहाँ दुष्प्रभाव भी देख लेते हैं। देखिए, दुष्प्रभाव का मतलब क्या होता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस, कमियां। ठीक है, इस क्रांति का लाभ तो देश के कुछ क्षेत्रों को ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने देखे हैं मात्र पश्चिम उत्तर एरिया बोला जा रहा है, पश्चिम उत्तर एरिया में ही इसका जो है, अब जो बाकी राज्य है, बाकी राज्य में क्या हुआ, इसका जो है उत्पादन पे बढ़ावा नहीं मिला या उत्पादन नहीं हुआ, तो इससे क्या हो गया, क्षेत्रीय असंतुलन या असमानता की स्थिति पैदा हो गई। सर्वाधिक जो प्रभाव है गेहूं के उत्पादन में पड़ा, तो बाकी फसलें कहाँ गई, बाकी फसलों का यहाँ पे फिर भी असमानता हुआ। और अत्यधिक रासायनिक की जो उर्वरक है, कीटनाशक के प्रयोग से जो प्रदूषण है पर्यावरण का, वो काफी अधिक हो गया और जो उत्पादक क्षमता है भूमि की वो भी कम हुई। यहाँ पर 1990 के दशक आते आते क्या हो गई, ये जो हरित क्रांति है उसमें स्थिरता आ गई, मतलब स्टॉप हो गई एक तरीके से। तो इसी के फलस्वरूप आगे हम देखेंगे द्वितीय हरित क्रांति देखने को मिलती है। द्वितीय हरित क्रांति क्यों आई, क्योंकि 1990 में क्या हुआ था, 1990 में उसमें स्थिरता आ गई, तो उसी को यहाँ आगे बढ़ाने के लिए, उसको चलित अवस्था में लाने के लिए यहाँ पे द्वितीय हरित क्रांति लाई गई। तो यहाँ देखिए, द्वितीय हरित क्रांति जो है स्थिरता को कम करने के लिए, क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने के लिए, पर्यावरणीय हितों को ध्यान में रखते हुए, मतलब वो जो हरित क्रांति फर्स्ट थी उसकी कमियों को यहाँ पे हटाने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में विज्ञान कांग्रेस में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया। तो आपको याद रखना वर्ष 2006 और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा जो है द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया गया था। इसके अंतर्गत उन्नत जो बीज है जो बोए जाते हैं उनको, उनका चयन क्षेत्रीय भूमि की दशा के आधार पर किया जाएगा, मतलब जिस भूमि में जिस प्रकार के बीजों का उत्पादन किया जाता है, जिस प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है, उसी के अनुसार उनको बीज प्रोवाइड करे जाएंगे। मोटे अनाजों के उत्पादन में भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये कहा गया द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत देखिए सिंचाई के लिए यहाँ पे ड्रिप सिंचाई, जो बूंद बूंद करके सिंचाई करती है, स्प्रिंकलर यानी कि फवारा जो होता है, उसकी सिंचाई पर यहाँ पे फोकस किया गया। उन्नत एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल साधनों के उपयोग पर बल दिया गया। वाटरशेड मैनेजमेंट और जो बंजर भूमि उसको फोकस, मतलब उसको कृषि योग्य बनाने के लिए यहाँ पे फोकस किया गया। प्रथम हरित क्रांति में जहाँ उत्पादकता वृद्धि पर आधारित थी, वहीं द्वितीय हरित क्रांति क्या है, कृषिगत आय में वृद्धि पर आधारित थी। ठीक है, दोनों में आप अंतर देख सकते हैं और वहां जो कमी थी उसको भी यहाँ पूरा कर दिया गया।
चलिए अब बात करते हैं दूसरी हरित क्रांति, जिसे हम बोलते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, वो था ग्रीन रेवोल्यूशन और ये था व्हाइट रेवोल्यूशन। तो यहाँ देखिए फोकस किस पे था, दुग्ध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फोकस था, ठीक है, दूध क्रांति हम इसे बोलते हैं। ठीक है, भारत में पशुपालन भारतीय कृषि की एक प्रमुख सहायक जो है क्रिया के रूप में इसे माना जाता है, और दुग्ध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करने करके उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रम को ही क्या कहा जाता है, श्वेत क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति की गति को तीव्र करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड नामक एक योजना लाई गई थी। अब ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड की अगर बात करें हम, तो देखिए ऑपरेशन फ्लड के जो जनक माने जाते हैं उनको हम बोलते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक भी इन्हें बोला जाता है। तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप ये हल कर सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति एक दूसरे पर्याय है, मतलब ऑपरेशन फ्लड को ही हम श्वेत क्रांति बोल सकते हैं और श्वेत क्रांति को ही हम ऑपरेशन फ्लड बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के कैसे है, पर्यायवाची है। इस योजना के तीन चरण थे, कौन कौन से, 1970 से 1979 पहला था, 1981 से 1985 दूसरा, और 1985 से 96 ये तीसरा था। तो ऑपरेशन फ्लड के कारण क्या हुआ, 1950 में भारत में जो प्रति व्यक्ति दैनिक औसत थी दूध की 124 ग्राम थी, परंतु उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 291 कर दिया गया, तो मतलब काफी अपग्रेड हुई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है दुग्ध की उत्पादकता में, और अमेरिका को बोला जाता है यानी कि यूएसए को बोला जाता है सेकंड नंबर पर, ठीक है, याद रख सकते हैं आप। अब कुछ अन्य क्रांति देख लेते हैं, जैसे कि सदाबहार क्रांति जिसे हम एवरग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने इसका पहली बार प्रयोग किया था, और जैविक कृषि एवं हरित कृषि के अलावा कीट प्रबंधन, संगठित पौष्टिकता आपूर्ति और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का प्रयोग यहाँ किया गया, इसलिए इसे बोला जाता है सदाबहार क्रांति। दूसरी होती है नीली क्रांति, ये मुख्य रूप से जो फिश होती है यानी कि मछली होती है, मछली के उत्पादन पर ज्यादा फोकस करना था, इसके संबंधित थी नीली क्रांति, ये आप देख सकते हैं। और भारत जो है विश्व में तीसरा स्थान है मछली उत्पादन के लिए। और जो तटवर्ती राज्य है, जैसे कि 9 राज्य हमारे तटवर्ती राज्य है भारत के अंतर्गत, इस प्रकार आप देख सकते हैं भारत के मैप में, तो यहाँ लगभग जो है 15 मिलियन लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली जो है पकड़ना होता है। इसके अलावा इंद्रधनुषी क्रांति जो होती है, जैसे कि रेनबो रेवोल्यूशन बोलते हैं, तो यहाँ मुख्य रूप से देखिए नीली, हरी, पीली, गुलाबी, श्वेत व भूरी क्रांति, इनको कंप्लीट अगर मिला दिया जाए यानी कि इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो उस इंटीग्रेटेड रूप को क्या बोलते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति बोलते हैं। त्रिरंगी क्रांति, ये मुख्य रूप से हमारे झंडे पर, झंडा जो है हमारा झंडा 3 रंगों का है, उससे ही उपजी है एक तरीके से, उससे ही इनहेरिट हुई है, और इसका नारा जो दिया था हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में मोदी जी, इनके द्वारा दिया गया था, जिसके अंतर्गत हरित श्वेत के पश्चात भगवा क्रांति या केसरिया क्रांति होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा था, ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाई जा सके। फिर कुछ क्रांतियों की एक बात बात कर लेते हैं, देखिए काली जो क्रांति है आप समझ सकते हैं, देखिए पेट्रोलियम से रिलेटेड है, नीली क्रांति हमने देखे मछली से रिलेटेड, मछली उत्पादन से, भूरी क्रांति कोको या चर्म इसके उत्पादन से रिलेटेड है, स्वर्ण क्रांति की अगर बात करें तो जूट, जूट यानी कि जो सन होता है उससे रिलेटेड है, गोल्डन क्रांति की अगर बात करें तो बागवानी या शहद जो होता है, बागवानी भी हो गया और शहद भी, ग्रे क्रांति जो होती है उर्वरक जो खाद होती है खाद उससे रिलेटेड है, गुलाबी क्रांति की अगर बात करें तो प्याज औषधि और झींगा उत्पादन से संबंधित है, लाल क्रांति की बात करते हैं देखिए मांस और टमाटर के उत्पादन से रिलेटेड है ये, चांदी यानी कि सिल्वर क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, कपास के उत्पादन और अंडा उत्पादन से रिलेटेड है, श्वेत क्रांति हमने देखे दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और पीली क्रांति तिलहन, तिलहन से यानी कि दाले जो दाले होती है उनसे रिलेटेड कौन सी क्रांति है, पीली क्रांति है। अब बात करते हैं कृषि से संबंधित कुछ मिशन की, मतलब कृषि को अपग्रेड करने के लिए अलग अलग प्रकार के मिशन चलाए गए, तो उनको हम देख लेते हैं एक नजर में। तो देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जिसे हम बोलते हैं, तो ये जो है बागवानी के संपूर्ण विकास के लिए 2005-06 में इसको शुरू किया गया था। उसके बाद आया नेशनल बॉम्बू मिशन, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय बांस मिशन है एक तरीके से, और ये कृषि मंत्रालय द्वारा पेश किया गया, 27 राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना इसे बोला जाता है, और इसकी लागत टोटल हम देख सकते हैं 568 करोड़। इसके बाद बात करते हैं कृषि साख यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट की, मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो क्रेडिट होता है यानी कि उधार होता है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। अब कृषि को अगर अपग्रेड करना है तो सिंपल सी बात, उधार ऋण तो लेना पड़ेगा, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट बोलते हैं। तो कृषि कार्यों के लिए जो उपलब्ध वित्त होता है वो हम एक प्रकार से उसको क्या बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर
क्रेडिट बोल सकते हैं। यह दो स्रोतों से प्राप्त होता है। हमने पहले भी देखे हैं वित्त जो दो स्रोतों से प्राप्त होता है, एक तो संस्थागत होते हैं जिसके अंतर्गत सरकार हो गया या वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं या सहकारी बैंक, तो ऐसे बैलेट तौर पर जो प्राप्त होते हैं उसे संस्थागत बोलते हैं, और जो बिना रजिस्टर्ड होते हैं यानी कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो हो सकते हैं साहूकार हो सकता है, सेठ हो सकता है, महाजन हो सकता है। तो ये जो दो स्रोत है वहां से हम क्या कर सकते हैं, कृषि शाख या एग्रीकल्चर क्रेडिट को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कृषि कार्यों के लिए जो वित्त होता है उसे प्राप्त कर सकते हैं। किसान ऋण की बात करते हैं तो किसान ऋण जो होता है तीन प्रकार से लिया जाता है। देखिए अल्पकालीन को बोलते हैं 15 माह से कम, मध्यकालीन को बोलते हैं 15 माह से 5 वर्ष के बीच, और दीर्घकालीन को बोलते हैं 5 वर्ष से अधिक। ठीक है, तो जो अल्पकालीन होता है क्यों लिया जाता है, जैसे खाद बीज खरीदना है, पशु के लिए चारा खरीदना है, गृह कार्य के लिए कुछ उपयोग में चीजें खरीदना है, तो इन सभी चीजों के लिए लिया जाता है 15 माह से कम का जो ऋण होता है वो। मध्यकालीन के अंतर्गत हम देख सकते हैं 15 माह से 5 वर्ष के लिए लिया जाता है, जिसके अंतर्गत पशु खरीदना, छोटे औजार हथियार खरीदना, ये चीजें सम्मिलित रहती है। फिर बात करते हैं दीर्घकालीन की। दीर्घकालीन में जो होता है लंबे अवधि के लिए ऋण लिया जाता है, जैसे खेत खरीदना है, ठीक है, महंगी मशीनें खरीदना है खेत के उपयोग के लिए, तो ये चीजें अगर खरीदना है तो हमको दीर्घकालीन ऋण लेना पड़ता है किसान ऋण के अंतर्गत। ठीक, अब आगे देखते हैं इसी संबंधित, देखिए ऋण से संबंधित योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये कार्ड प्रोवाइड किया जाता है किसान को ताकि उसको जो है ऋण उपलब्ध कराया जा सके। देखिए कृषि साख को उपलब्ध कराने यानी कि जो एग्रीकल्चर ऋण है यानी कि उधार है वो किसानों को अगर उपलब्ध कराना, उसी उद्देश्य से यहाँ अगस्त 1998 में इसको शुरू किया गया था। क्रियान्वयन किया जाता किस किस के द्वारा, वाणिज्यिक बैंक यानी कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं, हमने पहले पढ़ चुके कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से SBI आता है और उसके साथ वाले जितने भी बैंक है, केंद्रीय सहकारी बैंक और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे कि हम RRB पढ़े थे उनकी बात करते हैं। तो ये जो तीनों बैंक हैं इनके माध्यम से इनका क्रियान्वयन किया जाता है और स्कीम के जो व्यवस्था है नाबार्ड के द्वारा होती है। नाबार्ड भी हमने पढ़े हैं, हालांकि हम थोड़ा सा आगे देख लेंगे। नाबार्ड जो कृषि से रिलेटेड बैंक है, जो कृषि से रिलेटेड ऋण प्रोवाइड करता है वो वाला बैंक, यह कार्ड जो है 5,000 या उससे अधिक उत्पादन के लिए जो पात्र किसान है उनको प्रोवाइड किया जाता है, और इसकी जो वैलिडिटी होती है 3 वर्ष की होती है। ठीक है, अब RRB की बात करते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो हमने पहले देख लिया हालांकि हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी और साथ में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना हुई थी। पर वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में ओनली सिक्किम और गोवा को छोड़कर ये पूरे देश में संचालित हो रहे हैं। ठीक है, मतलब सारे राज्यों में कार्यरत है ये बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB, रीजनल रूरल बैंक। RRB की जो कार्यप्रणाली जो है इस पर गठित की गई कुछ समितियों के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि देखिए मतलब इनको सुधार करने के लिए RRB को दांतेवाला समिति है 1977 में, क्रेफी कार्ड समिति 1979 में, और खुसरो समिति इसके अलावा देखे तो 1989 में, लास्ट है केलकर समिति तो 2004 में। ये चारों समितियां किससे रिलेटेड है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित जो कार्य प्रणाली है उसको सुधार करने के लिए गठित की गई थी। फिर देखते हैं लीड बैंक योजना। ठीक है, तो लीड बैंक योजना जो है इसका जो है वर्ष 1969 से ये संचालित की जा रही है, और ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है। तो दो चीजें हो गई, कब से, 1969 से, और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सिफारिश किसके द्वारा की गई थी इसको संचालित करने की, डॉक्टर गाडगिल और डॉक्टर मतलब सॉरी नरसिम्हन समिति, मतलब डॉक्टर गाडगिल और नरसिम्हन समिति इसके द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी इसको संचालित करने के लिए। वर्ष 1969 से ये संचालित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की रिक्तता, मतलब जो उधार है या जो पैसा है उसकी जो गड्ढे रहते हैं एक तरीके से, या उसका जो खालीपन है या बीच में जो रिक्तता है उसको पूरा करने के लिए यह योजना लाई गई थी। और इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जो नामित बैंक है, नॉमिनेट जो बैंक होते हैं उसके लिए एक अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी का काम करेगा। 30 जून 2014 के अनुसार 25 सार्वजनिक बैंक तथा जो एक निजी बैंक है उसको देश के 671 जिलों में अग्रणी बैंक या लीड बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी लीड बैंक योजना के अंतर्गत। तो हम देख सकते हैं लीड बैंक योजना भी किसान उससे रिलेटेड है। चलिए अब आगे देखते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, आपको एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ पे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए इसकी स्थापना भी हमने पहले देखे है, 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर हम देख सकते हैं मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी, भारत के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है। और नाबार्ड जो है कृषि ऋण ढांचे, मतलब जो कृषि ऋण का जो स्ट्रक्चर है
उसमें एक टॉप लेवल की ऑर्गेनाइजेशन या शीर्ष संस्था इसे माना जाता है, जो अनेक जो वित्तीय संस्था है यानी कि फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके अंतर्गत जैसे कि राज्य भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और जो पुनर्वित्त सुविधा है उसको, ये जो है मतलब इन सभी को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है, यानी कि वित्त की सुविधा प्रदान करता है जो कृषि से रिलेटेड काम करती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती है, ये सभी को हेल्प करता है नाबार्ड। ठीक है, इसके जरिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण ज्ञान, जो रूरल, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं रूरल नॉलेज सेंटर हम बोल सकते हैं, तो उसकी स्थापना भी की है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, मतलब शॉर्ट में अगर आए तो नेफेड बोल सकते हैं, और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है, स्थापना हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ देखिए 2 अक्टूबर 1958 को, और यह एक प्रकार से शीर्ष सहकारी संगठन है। किसके लिए? जो कुछ चुने गए कृषि उत्पादकों की खरीद, वितरण, निर्यात और आयात में संलग्न है। ठीक है, यह राज्यों के बीच कृषि उत्पादों के व्यापार को भी परिवर्तित करता है, जैसे इसके अंतर्गत अदरक, लहसुन, प्याज, दाल आदि चीजें की बस जो आदि चीजें है उनका निर्यात एवं देश में किसी भी भाग में इन वस्तुओं की कमी पर उनकी पूर्ति करना इसका मुख्य काम होता है। किसका? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ का। फिर बात करते हैं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिषद, जिसे हम बोल सकते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम ट्रेफेड बोलते हैं। ठीक है, एक तो नेफेड हमने पढ़े और एक ट्रेफेड है, तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? जनजातीय यानी कि जो जनजातीय रहते हैं, ट्राइब्स होते हैं, उनको जो होता है उत्पाद का, जो उत्पाद होते हैं यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनका उचित मूल्य दिलाकर उन्हें व्यापारियों के शोषण से बचाना इसका मुख्य कार्य होता है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की, जिसे हम एनसीडीसी यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं। ये जो होता है संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1963 में स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? कार्यक्रमों की योजना बनाना और उसको मुख्य रूप से बढ़ावा यानी कि प्रमोट करना होता है। इसने जो है उत्पादन, जो प्रसंस्करण होता है यानी कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, और कृषि का जो विपणन होता है यानी कि मार्केटिंग होती है, उसके उत्पादन और सहकारी समितियों के माध्यम से वस्तुओं को अधिसूचित किया जाता है। फिर बात करते हैं कृषि बीमा एवं योजनाएं, कृषि बीमा और योजना उससे संबंधित जो योजनाएं होते हैं वो देख लेते हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ मुख्य रूप से कुछ है, जैसे कि आप ये इससे परिचित होंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये शुरू की गई थी 13 जनवरी 2016 को, आजादी के 75वां जो वर्षगांठ है 2022 में जो मनाया जाएगा, वहां तक किसानों की आय 2 गुना करने की इसमें बात की गई है। तो इसका मुख्य फोकस भी यही है, मतलब आपातकालीन स्थिति में जैसे कि हम देख सकते हैं सूखा आ गया, बाढ़ आ गई या फिर ओला वृष्टि, बहुत समय जो होता है फसल नुकसान हो जाती है, उस समय जो है फसल बीमा यहाँ जो है सपोर्टिंग का काम करती है, तो उसी के हिसाब से इसको फोकस किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसके अंतर्गत भी कुछ ऐसा ही है, परंतु यहाँ देख सकते हैं केंद्र सरकार ने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके लिए जो है सामान्य बीमा जो निगम होते हैं उसके सहयोग से वर्ष 1999 से 2000 के बीच में जो रबी की फसल है उसके लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई। तो ये भी वैसे ही करती है, मतलब ओलावृष्टि या समय पे जो नुकसान होते हैं उसको भरपाई करने के लिए यहाँ पे इसका मुख्य फोकस है, और व्यापक फसल बीमा योजना इसको इसने जो है परिवर्तित या प्रतिस्थापित किया है, रिप्लेस किया है, मतलब पहले चलती थी व्यापक फसल बीमा योजना और अब चलती है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तो ये जो है इसका अपग्रेडेड रूप है, मतलब संशोधित करके बनाया गया, तो इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह ली है, और ये जो है केंद्र एवं राज्य का सहयोग इसमें 50-50% रहेगा, और 2011-12 से ये मान्य है रबी की फसल के लिए। रबी की फसल का मतलब होता है जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, ये फसल जो है हम पढ़ लेंगे आगे भी। भारतीय कृषि बीमा निगम लिमिटेड, यहाँ हम देख सकते, देखिए कृषि बीमा के लिए कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन यह संगठन जो है 20 दिसंबर 2002 से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि AICIL के नाम से किया गया है। इसका जो है प्रयोजन के लिए जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, मतलब इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? JIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अंतर्गत 4 सामान्य जो कंपनियां हैं वो हम देख सकते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये जो है सपोर्टिंग का काम करेगी इससे रिलेटेड। फिर खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं यानी कि फूड सिक्योरिटी की, तो फूड फूड सिक्योरिटी जो है क्या होता है, देखिए
कभी-कभी अचानक परिस्थिति बदल जाती है, जैसे सूखा, बाढ़ या कुछ प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, बहुत सारी चीजें महंगी हो जाती है। और महंगी होने के कारण जो गरीब तबके के लोग हैं उनको एक प्रकार से भोजन के लायक जो मिलना चाहिए, यानी कि दो वक्त का भोजन ही नहीं मिल पाता है। तो वो जो दो वक्त का, निचले तबके तक दो वक्त का जो भोजन है, वो उसको स्थायी बनाने के लिए, मतलब सबको भोजन प्राप्त हो, तो उसी को फोकस करने के लिए यहाँ जो प्रधान सहायता या फिर एक प्रकार जो प्रयास किए जाते हैं, उसी को हम फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी जो होती है, जैसे खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, जिसे हम बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, इसके अनुसार जो व्यक्ति, मतलब सभी व्यक्ति जो होते हैं, सभी व्यक्तियों को सही समय में उनकी आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों ही चीजें उपलब्ध हो, इसका आश्वासन मिलना ही क्या कहलाता है, खाद्य सुरक्षा, यानी कि फूड सिक्योरिटी कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो है, खाद्य उत्पादन वाले जो देश है, इनके द्वारा उपयोग एक जो है हथियार के रूप में किया जाता रहा है। क्यों? वहां पर वो चीजों को महंगी कर लेते हैं ताकि जो है उनको अधिक फायदा हो। उस फायदे के चक्कर में क्या होता है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो है खाद्य से संबंधित जो आर्थिक और भौतिक चीज है वो उपलब्ध नहीं हो पाती, तो उसी के लिए यहाँ फोकस किया जाता है कि सबको यहाँ उपलब्ध हो। और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या हुआ, 1994 और 95 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम उचित मूल्य की दुकानें, राशन दुकानें होती है, सबके सबने देखा होगा, तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। और इसके अलावा 1997 में क्या हुआ, लक्षित यानी कि टारगेट जो पीडीएस सिस्टम होता है, ये पीडीएस कहलाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये कहलाता है टारगेट पीडीएस, यानी कि TPDS, TPDS जो होता है टारगेट पब्लिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये 1997 में शुरू की गई। तो दो योजना आपको याद रखना, 1994 से 95 सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, और 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये जो होता है TPDS। ठीक है, अमेरिका द्वारा PL जो 480 प्रोग्राम है, उसके तहत जो दी जाने वाली जो खाद्य सुरक्षा है उसमें क्या कर ली गई, कटौती कर ली गई, जिससे क्या हो गया, खाद्य संकट और बढ़ गया, और इससे भारत ने जो है हरित क्रांति का आह्वान किया। मतलब पहले जो अमेरिका जो है सहायता देता था, खाद्य सुरक्षा देता था, वहां उनने कटौती कर लिया, और उसी के पश्चात क्या हुआ, हमारे यहाँ हरित क्रांति का आह्वान किया गया, जिसके पश्चात आपने देखा होगा खाद्यान्न का काफी उत्पादन हुआ था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसे हम बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, यानी कि NFSM, जो एक है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र यानी कि सेंटर द्वारा जो है संचालित योजना है, सेंटर यानी कि जो मेन जो गवर्नमेंट हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट। यह योजना अक्टूबर 2007 में शुरू की गई थी, यहाँ देख सकते हैं हम 12वीं योजना के अंतर्गत जारी की गई थी। इसके अलावा देखें तो इसके अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन को 25 मिलियन टन तक बढ़ाना है, ये इसका मुख्य फोकस था। और इसके पांच जो है एलिमेंट मुख्य है, कौन कौन से, चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल, मोटे अनाज, और इसके अलावा वाणिज्यिक जो फसल है, वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत हम देख सकते हैं जिसके अंतर्गत तुरंत हम नगदी प्राप्त करते हैं, जैसे कि गन्ना हो गया, कपास हो गया, और जूट हो गया। तो ये इस पर फोकस किया गया मुख्य रूप से यहाँ पर, ये इसके पांच एलिमेंट है। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, यानी कि फूड प्रोसेसिंग, जिसे हम बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो ये जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे शुरू किया गया, 2012 और 13 में, किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से। खाद्य जो पदार्थ है उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि राष्ट्रीय खाद्य जो प्रसंस्करण मिशन है उसको शुरू किया गया। यह केंद्र जो है प्रायोजित, मतलब यह जो योजना है केंद्र प्रायोजित योजना, यानी कि सेंटर द्वारा जारी योजना है, और इसके द्वारा जो है सरकारों की मदद से ये क्रियान्वित की जा रही है। मतलब कौन से सरकार, राज्य, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी मदद से इसको क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूट या क्रियान्वित किया जा रहा है। अब बात करते हैं भारतीय खाद्य निगम की। भारतीय खाद्य निगम की अगर बात करें यहाँ हम, तो इसकी स्थापना की गई थी 14 जनवरी 1965 को, 14 जनवरी 1965 की स्थापना की गई। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हमारे देश की राजधानी कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंतर्गत है। ठीक है, पहला जिला जो था इसके अंतर्गत जो शुरू किया गया था, मतलब पहला जिला तंजावुर था, तमिलनाडु के अंतर्गत जो है यहाँ खोला गया। और यहाँ देखिए, हम देखें तो एक खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली एक प्रकार से नोडल एजेंसी से बोला जाता है। इसके अंतर्गत शांता कुमार समिति की बात करें, इसी से रिलेटेड थी। तो ये जो है अगस्त 2014 में बनाई गई, और 8 सदस्य थे इसके अंतर्गत, इसके अध्यक्ष कौन थे, शांता कुमार थे, इसलिए समिति का नाम शांता कुमार समिति है। और भारतीय खाद्य निगम के जो है, यानी कि जो भारतीय खाद्य निगम हमने पढ़े हैं,
उसके जो वर्तमान स्ट्रक्चर है उसमें सुधार के लिए या उसको पुनर्गठित करने के लिए ये समिति गठित की गई थी। तो ये समिति भी आपको थोड़ा सा हिंट रहना चाहिए, किससे रिलेटेड थी, भारतीय खाद्य निगम से रिलेटेड। फिर देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हमने पहले भी देख चुके हैं, पीडीएस, ठीक है, उचित मूल्य की राशन दुकानें हम बोलते हैं इसे, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कैसे भी आया, पीडीएस का फुल फॉर्म यहाँ याद रख सकते हैं, जो आवश्यक वस्तु है, जैसे कि आज की डेट में हम देख सकते हैं गेहूं, चावल, केरोसिन। अब कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कि प्याज की मात्रा बढ़ जाती है तो राशन की दुकान में प्याज मिलने लगता है, ठीक है, मक्का मिलने लगता है, तो ये अलग अलग चीजें हम देख सकते हैं। पर बेसिक हमने देखे हैं गेहूं, चावल, केरोसिन, चीनी, नमक, ये चीजें आपको देखने को मिलती है वहां पर। तो ये सभी जो है उचित कीमत की दुकान के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरण करना, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत ये आता है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, उपभोक्ताओं, जैसे कि विशेषकर हम देख सकते हैं जो कमजोर वर्ग होते हैं, निचले तबके के लोग होते हैं, उनको सस्ती दर पर वस्तु उपलब्ध कराना, ताकि क्या हो, कीमत के उतार चढ़ाव जो होता है उसकी मार को वो झेल नहीं सकते, और उसकी मार से उनको बचाने के लिए ही यहाँ पे पीडीएस को शुरू किया गया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, मतलब उनका जो न्यूनतम पोषण स्तर को बनाए रखना, जैसे हमने फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत देखे थे। तो ये मुख्य पार्ट है फूड सिक्योरिटी का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई, लक्षित यानी कि टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीपीडीएस, ठीक है, ये शुरू की गई 1997 में। इसी के अंतर्गत टीपीडीएस में मूल्य निर्धारण के लिए जनसंख्या को दो भागों में बांटने की नीति अपनाई गई, जैसे गरीबी रेखा से नीचे, जिन्हें हम बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, और गरीबी रेखा से ऊपर, जिसे हम एपीएल बोलते हैं। तो आपने अलग अलग प्रकार के कार्ड देखे होंगे, दो कलर आते हैं कार्ड में, तो आप देख सकते हैं उनको, एक में लिखा रहता है बीपीएल और एक में लिखा रहता है एपीएल। इस प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको विशेष कार्ड जारी करने की नीति अपनाई गई, और इसी के तहत हम एक प्रोजेक्ट देख सकते हैं जिसका नाम है गोल्डन रेज प्रोजेक्ट, गोल्डन रेज प्रोजेक्ट, जिसे हम जीआरपी बोलते हैं, ठीक है, मक्का के लिए राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत शुरू किया गया। यह योजना खरीफ की फसल के लिए 2009 में शुरू की गई थी, तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा मेगा फूड पार्क की बात करें तो मेगा फूड पार्क जो है एक प्रकार, देखिए, हम देख सकते हैं ये योजना है, और ये सितंबर 2008 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत क्या हुआ, अलग अलग स्थानों में 10 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए, और उद्देश्य क्या था, उद्देश्य हम देख सकते हैं कृषि उत्पादों के नुकसानों को कम करना, स्थानीय आपूर्ति व रख रखाव की व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थों का जो प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग है उसको जो है उनका मूल्यवर्धन का संवर्धन करना, किसानों की आय को बढ़ाने पर फोकस करना, किसानों को बाजार से जोड़ना ताकि वो आसानी से अपनी चीजों को बेच सके और लाभ प्राप्त कर सके। इसके अलावा 17 नए मेगा फूड पार्क को मंजूरी दी गई केंद्र सरकार के द्वारा, और मेगा फूड पार्कों के लिए केंद्र सरकार प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% तक का अनुदान देती है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें, पूर्वोत्तर राज्य यानी कि जो असम, मेघालय जो भी होते हैं, 9 राज्य जो होते हैं, अनुदान की राशि को 75% रखा गया और बाकी के लिए 50% रखा गया। इस तरह केंद्र से अधिकतम 50 करोड़ की सहायता मिलती है। मेगा फूड पार्क की अगर बात करें हम, तो इसको खोलने के लिए कम से कम कितनी जमीन चाहिए, 50 एकड़, और इसमें जो है 30 से 35 प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ स्थापित की जा सकती है। अब बात करते हैं कुछ छोटे टॉपिक, सुरक्षित हरित ग्रह और बफर स्टॉक की। तो ये ऐसे ग्रह होते हैं जिनके अंदर तापमान, आर्द्रता और नमी का स्तर क्या होता है, सब्जी, फल और जो भी चीजें हैं आदि को उगाने के लिए जो मतलब उनके आवश्यक है स्तर है उसको कायम रखता है, ठीक है, ताकि ये जो फसल है उसकी उत्पादकता को आसानी से बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए बोलते हैं इन्हें सुरक्षित हरित ग्रह। और इसके अलावा बफर स्टॉक की अगर बात करें तो बफर स्टॉक उसी के अंतर्गत आता है जैसे कि हमने पीडीएस सिस्टम देखे थे, मतलब सूखा, अकाल और फसल के जो नष्ट होते हैं और मूल्य में अचानक तेजी आती है, इन सभी घटनाओं से लोगों को सुरक्षित रखना, इसे हम बोलते हैं सुरक्षित रखने के लिए जो स्टोरेज होती है एक तरीके से गेहूं एवं चावल की अतिरिक्त मात्रा, वो उसको सरकार यहाँ क्या रखती है, स्टोर करके रखती है। तो उस स्टोरेज को ही हम बोलते हैं बफर स्टॉक, जैसे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर कीमत के उतार चढ़ाव के कारण जो है यहाँ पे स्थिरता बनी रहती है। इसके अलावा कृषि आयोग, नीतियां एवं योजनाओं की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि आयोग यहाँ बनाया गया, देखिए कब, 2004 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनके अध्यक्षता में बनाया गया था, और कृषि एवं किसानों की दशा को सुधारने से संबंधित था। ये सुझाव क्या क्या दिए इन्होंने, मुख्य फोकस देख लेते हैं हम मोटा मोटा, कृषि जो कृषिगत उपजे है उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, मिनिमम MSP,
हालांकि ये बंद हो गई योजना, हम आगे थोड़ा डिस्कशन देख लेंगे इसके अंतर्गत। सूखा एवं जो बारिश है इससे संबंधित जोखिम के लिए एग्रीकल्चर रिस्क फंड का गठन किया जाए, सभी राज्यों में किसान आयोग का गठन किया जाए, किसान बीमा योजना का विस्तार किया जाए और अधिक कृषि से संबंधित पंचायतों को के अधिकार में वृद्धि किया जाए और राज्य द्वारा कृषि विकास के लिए अधिक संसाधन का आवंटन किया जाए। ये सारी चीजें यहाँ पे सिफारिश या सुझाव दिए गए इस समिति के द्वारा, या आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। इसके अलावा हम देख सकते, देखिए कृषि नीति लाई गई 2007 में, तो ये जो है कृषि आयोग की सिफारिशों एवं राज्यों के परामर्श पर इसके द्वारा जो है राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 जारी की गई। मुख्य बातें क्या थी? भूमि, जल एवं जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए, कृषि सहायक क्रियाओं का विकास किया जाए। कृषि सहायक यानी कि कृषि को जो सपोर्ट करती है, नेचुरल चीजें जो भी होती है, कृषकों के लिए जोखिम प्रबंध किया जाए। इसके अलावा हम देखें भूमि सुधार तथा सभी को पोषक सुरक्षा प्रदान करना, युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना, कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखना। आप राज्य सूची देखिए, तीन सूची होती है, एक तो स्टेट होती है, एक सेंटर होती है और एक कॉन्करेंट होती है, यानी कि समवर्ती सूची होती है। ठीक है, तो सेंटर में सेंटर पावर रखता है, सेंटर जो भी है कानून बनाता है और सेंटर ही प्रोवाइड करता है। स्टेट में स्टेट को मेंटेन करना पड़ता है और समवर्ती सूची में क्या करता है, दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। तो दोनों मिलजुल कर काम करें कृषि के क्षेत्र में। अभी क्या हो रहा है, स्टेट यानी कि राज्य सूची में है तो राज्य बस को देखना पड़ता है। भारत की कृषि को वैश्विक केंद्र यानी कि हमारी जो कृषि है उसको विश्व तक पहुंचाना, ताकि जो है और अधिक बढ़ावा मिले कृषि को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लाई गई, यहाँ हम देखते देखिए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान ये था। तो कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ के साथ कृषि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत क्या हुआ, केंद्रीय सहायता 50% और कृषि और समृद्ध क्षेत्रों पर राज्य आयोजना व्यय के प्रतिशत से जोड़ा गया है। इसको मनरेगा के साथ संयोजित किए जाने के से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, ये ऐसा निर्धारित किया गया। और मुख्य था कि भाई कृषि क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाया जाए। ई गवर्नेंस प्लान तैयार किया जा रहा है इससे रिलेटेड। उद्देश्य क्या था, सामान्य सेवा केंद्रों, इंटरनेट, मैसेज के माध्यम से किसानों को सूचना उपलब्ध कराना, ताकि वो रियल टाइम, जैसे कि जो समय वर्तमान समय में जो भी सूचना प्रौद्योगिकी चल रही है, जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है, उनकी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। इसके अलावा हम देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इसका शुभारंभ किया था फरवरी 2015 में, और जो प्रधानमंत्री हमारे वर्तमान में दूसरी बार जो बनकर आए हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने राजस्थान के सूरतगढ़ में, केंद्र सरकार की ये योजना है देशव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसकी शुरुआत की थी फरवरी 2015 में। विभिन्न उर्वरकों का बढ़ता असंतुलित प्रयोग चिंता का विषय बन गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा की गुणवत्ता में कमी आई है। इसी के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है प्राथमिक, माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के आधार पर प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि में प्रत्येक किसान को दिया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसान समन्वित पोषक प्रबंधन के तरीकों का मतलब जो है विभिन्न तरीके उनको सीख सकेंगे, और उर्वरकों की जो उर्वरक होती है, खाद होती है, उसकी उचित खुराक का भी प्रयोग यहाँ पे सीख सकेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना लाई गई। तो इसके अंतर्गत थोड़ी सी जानकारी देखिए, इसके अंतर्गत कृषि में जो मिशन मोड परियोजना है उसका लक्ष्य था देश के किसानों हेतु कृषि संबंधित सूचना जो होती है, सूचना के समय पर, मतलब जो भी वर्तमान में जो सूचना है उनका समय पर पहुंच के लिए ये लाया गया था। जैसे कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के जरिए यहाँ पर भारत में कृषि का शीघ्र विकास हो सके। इसके अंतर्गत कुछ कुल जो 12 कृषि सेवा है उसको समूह के विभिन्न जो घटक है यानी कि जो कारक है, वेब एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका विकास किया जा रहा है। कृषि आदान सामग्री, मृदा स्वास्थ्य, अच्छी कृषि पद्धतियां, मौसम, पशुधन, प्रशिक्षण आदि जानकारी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं एक और योजना, नीराचल संभारण योजना। तो ये जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 7 अक्टूबर 2015 को ये शुरू की गई, मंजूरी दी गई इसके द्वारा, और इस योजना का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से 9 राज्यों, जैसे कि हम देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके अलावा गुजरात, इसमें किया जाएगा। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, खेत में सिंचाई को सुनिश्चित करना और जल के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना, इसका मुख्य लक्ष्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये जो है 2 जुलाई
2015 को स्टार्ट की गई और मोदी की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिमंडल उन्होंने इसकी मंजूरी दी थी। उद्देश्य क्या है? सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना और प्रत्येक जो खेत है उसको पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए खेतों में जल का प्रयोग की जो दक्षता है उसको बढ़ाना, ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जाए और सही सिंचाई और पानी के बचाव को भी मतलब वहां भी तकनीकों को अपनाना यहाँ पे फोकस किया गया। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ये 1 जुलाई 2015 को यहाँ लाई गई और ये जो योजना है यहाँ पे मतलब केंद्र सरकार की योजना है, इसको मंजूरी दी गई 2015 में 1 जुलाई को। उद्देश्य व्यापक और आवश्यक कृषि बाजार में सुधार करने के साथ साथ किसानों के उत्पादों को अच्छी कीमतें दिलाने इसका मुख्य फोकस था। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 21 अप्रैल 2016 को ई कृषि बाजार का उद्घाटन किया गया, सभी इसी के अंतर्गत था ये। सभी जो सब्जी मंडी है उनमें एक प्लेटफॉर्म उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से ये विकास किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र की कुछ नई नई तकनीक हम देख सकते हैं, जैसे देखिए एग्री पोर्टल। तो एग्री पोर्टल जो है केंद्रीय कृषि मंत्री जो वर्तमान मतलब वर्तमान में तो नहीं है, आपको पूरी जानकारी लेना मंत्रिमंडल की तो हमारा लेक्चर जाकर देख सकते हैं, चैनल पर डाला हुआ है उसमें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे जो केंद्रीय कृषि मंत्री मतलब तत्कालिक थे, 15 जुलाई 2015 को वेब पोर्टल था, एक प्रकार से एग्री पोर्टल इसकी शुरुआत की गई। इसके तीन मतलब एलिमेंट एक तरीके से अवयव है। सहभागिता गारंटी प्रणाली, इसके अंतर्गत यह प्रणाली जो है जैविक उत्पादों के प्रमाणन की एक प्रक्रिया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये सरकार का डेटाबेस विकसित करने के लिए सहायता करेगा। उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, तो ये जो है इस समय देश में 78 अधिसूचित उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं है। तो ये जो तीन अवयव थे मुख्य रूप से एग्री पोर्टल के, और इसको 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। इसके अलावा किसान चैनल की बात करें तो किसान चैनल जो है 26 मई 2015 को ये शुरू किया गया। दूरदर्शन के किसान चैनल को यहाँ पे लॉन्च किया गया और डीडी किसान चैनल का प्रसारण 24 घंटे होगा, ऐसा निर्धारित किया। इस पर जो है कृषि की नई नई तकनीकें, किसान की चिंताएं से जुड़े जो प्रसारण है वो किए जाएंगे। और डीडी किसान चैनल के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी देना और उनको जागरूक करना। कृषि मोबाइल ऐप, दो मोबाइल ऐप शुरू किए गए, कब? 25 दिसंबर 2015 को। क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप और एग्री मार्केट मोबाइल ऐप। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मोबाइल ऐप है ये किससे रिलेटेड है, तो ये कृषि से रिलेटेड है, कृषि के विकास से रिलेटेड है। तो इसकी सहायता से किसानों को ना केवल क्षेत्र में उपलब्ध बीमा कवर के बारे में जानकारी दी जाएगी, बल्कि ऋण लेने वाले जो किसान हैं उनकी यहाँ सूची भी या उनकी राशि की गणना करके यहाँ उनको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। और एग्री मार्केट मोबाइल ऐप जो है किसानों को आसपास के फसल मूल्यों से अवगत कराना, ताकि वो आपस में कैलकुलेट कर सके और अपनी जो बिक्री है वो सही जगह कर सके। अब बात करते हैं जैविक कृषि की। तो जैविक कृषि क्या है? जैविक कृषि की अगर बात करें तो ऐसी पद्धति जहां पर जो जितनी भी चीजें हैं जो कीटनाशक होते हैं वो उनका प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशियों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद कीटनाशकों तथा जैविक खरपतवार आदि का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं जैविक कृषि। और पहला जो राज्य है हमारे देश का पूर्ण जैविक राज्य, जिसे हम बोलते हैं सिक्किम, ठीक है? तो ये पहला राज्य है जैविक कृषि वाला। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की बात करते हैं, ये जो है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसे हम IFAD बोलते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1977 में। ये संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशेषीकृत एजेंसी के रूप में ये है एक प्रकार से IFAD। इसके सदस्य देश है 165 और ये तीन सूचियों में वर्गीकृत है। कौन कौन सी? विकसित देश यानी कि डेवलप कंट्री, तेल उत्पादक देश जो ऑयल उत्पादक जो करती है कंट्री उनको यहाँ पे बांटा गया है, और विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्री, तो तीन लिस्ट है इसकी। और भारत जो है अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष के मूल सदस्यों में से एक माना जाता है। इसके अलावा कृषि मूल्य नीति की बात करें तो ये वर्ष 1965 में सर्वप्रथम कृषि लागत आयोग का गठन किया गया था यहाँ पे, और इसके अध्यक्ष जो थे प्रोफेसर दांतेवाला। हमने दांतेवाला कमेटी भी देखे पहले, किससे रिलेटेड थी? जो रीजनल रूरल बैंक है यानी कि ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनके सुधार के लिए इनका गठन किया गया था, आप पीछे जाकर इस देख सकते हैं। उद्देश्य क्या था इसका? किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना था। और वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है कर दिया गया। भारत में कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य क्या है? उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना। अब बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, हालांकि ये वर्तमान में नहीं है, ठीक है?
अच्छा, इसके उपलक्ष्य में जो मध्य प्रदेश है उसमें क्या लाई गई थी, भावांतर भुगतान योजना, हालांकि वो भी अभी जो है गवर्नमेंट बदलने के कारण फिर स्टॉप करने का चल रहा है। ठीक है, सरकार द्वारा जो है प्रतिवर्ष 23 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, और ये जो है केंद्र और राज्य जो कंप्लीट मिलते हैं वहां पे मिलकर इसका जो है इसको डिफाइन किया जाता है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, एक निश्चित मूल्य जिसके नीचे कोई भी व्यापारी किसानों से नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ये जो होता है जब फसल बुआई होती है उस समय इसको डिफाइन कर लिया जाता है। किसी वस्तु के उत्पादन मतलब अधिक उत्पादन की स्थिति में उसकी कीमत को एक सीमा से नीचे आने पर उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करना, मतलब कोई उससे नीचे नहीं खरीदता। इससे क्या होता है, कोई किसी भी जो किसान है उसको नुकसान नहीं होता है, किसान अपने उत्पादों को बाजार में सही कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र होता है, और सरकार किसानों को इस बात की गारंटी देता है कि यदि बाजार मूल्य में कमी आई तो वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसके उत्पाद को खरीद लेगा। इससे किसानों को अधिक उत्पादन की प्रेरणा भी मिलती है। अब बात कर लेते हैं कुछ फसल एवं उसके उत्पादक राज्य की, तो कुछ यहाँ लिस्ट है। देखिए, चावल के लिए मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब। गेहूं की बात करें तो गेहूं के लिए मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश है, बाकी फिर अन्य राज्य आप देख सकते हैं। ज्वार के लिए महाराष्ट्र है, बाजरा के लिए गुजरात, दलहन के लिए मध्य प्रदेश और तिलहन के लिए भी मध्य प्रदेश है, जौ के लिए उत्तर प्रदेश, गन्ना के लिए भी उत्तर प्रदेश यहाँ पे, और मूंगफली के लिए गुजरात है, चाय के लिए असम है। इसके अलावा यहाँ देखिए कहवा जो होता है उसके लिए कर्नाटक, कपास के लिए महाराष्ट्र, बाकी आप राज्य बाद में देख सकते हैं, यहाँ लिस्ट है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। रबड़ के लिए केरल, पटसन के लिए पश्चिम बंगाल है, तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश, और काली मिर्च के लिए केरल, हल्दी के लिए आंध्र प्रदेश, और काजू के लिए केरल है। ठीक है, हालांकि मसाले के लिए तो केरल फेमस है, जितने भी मसाले होते हैं उनके लिए। तो ये लेक्चर है, आप देख सकते हैं इतना वो जो कंप्लीट कृषि से रिलेटेड सारा मटेरियल है वो आपको यहाँ पे एक ही लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया गया। हालांकि लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो गया है, फिर भी कोई नहीं, आपको जो 3-4 पार्ट बनते हैं वहाँ आपको ढूंढना पड़ता है, इसलिए आप 2-3 भाग में इसे देख सकते हैं रोक रोक कर। तो लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के पार्ट बन सकते हैं, और इसी प्रकार नए नए वीडियोस पा सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाएं, और यहाँ पे आप सजेशन है आप तो कमेंट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।